हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नवरात्रि शुरू होने से पहले तुरंत निकाल फेंके ये पांच चीज़ें, हमेशा बनाए रखती है नेगेटिविटी। नवरात्रि में माता रानी के स्वागत के लिए आपकी साफ़ सफाई तो शुरू कर दी होगी, हालांकि इस साफ सफाई के दौरान कुछ चीज़ों को घर से बाहर निकालना बिल्कुल ना भूले। इन दिनों माता रानी के स्वागत के लिए घर की साफ सफाई भी विशेष रूप से की जाती है। हालांकि साफ सफाई के दौरान कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको जरूर अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये चीजें देवी दुर्गा को बिल्कुल पसंद नहीं होती, साथ ही ये घर की डेकोरेशन को भी खराब करती है। खंडित मूर्तियों को जरूर हटाएं। घर और मंदिर की साफ सफाई करते वक्त अगर आपके घर में कोई भी टूटी हुई मूर्ति है तो उसे तुरंत हटा दे। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन्हें वेद अशुभ माना जाता है। इसके अलावा ये घर के डेकोरेशन को भी खराब करते हैं। हालांकि ध्यान रहे, यहाँ सिर्फ धार्मिक मूर्तियों की ही बात नहीं हो रही है। आपके घर में जो भी डेकोरेटिव पीस है अगर वो टूटे हुए हैं तो इस फेस्टिव सीजन उन्हें नए डेकोरेटिव आइटम से रिप्लेस करना ना भूले। बंद घड़ी का कर रिप्लेस। अगर आपके घर में कोई बंद घड़ी रखी हुई है तो ये बिल्कुल सही समय है उसे रिप्लेस करने का। वास्तु के नज़रिए से भी घर में बंद घड़ी को रखना बेहद अशुभ माना जाता है। बंद घड़ी ना तो किसी काम की होती है ना ही देखने में अच्छी लगती है। ऐसे में नवरात्रि की साफ सफाई के दौरान अगर आपके घर में कोई खराब घड़ी है तो उसे बदल कर नई घड़ी ले आए। सूखे पेड़ पौधों को हटाना ना भूले। अगर आपको गार्डनिंग का शौक है और आपने ढेर सारे पौधे से अपना घर सजाया हुआ है तब तो आपको अपने पौधों की भी छटाई करने की ज़रूरत है। अगर आपके घर में कोई भी सूखे पेड़ पौधे हैं तो उन्हें ज़रूर हटा दें। माना जाता है कि सूखे पौधे घर में नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। खास तौर से अगर आपके घर में तुलसी का सूखा हुआ पौधा रखा है तब तो आपको नवरात्रि से पहले इसे ज़रूर हटाना चाहिए। निगेटिव तस्वीरों को हटाएं। कई बार हम अपने घर के लिए ऐसे आर्ट पीस ले आते हैं जो देखने में काफ़ी नेगेटिव होते हैं। उनमें हो सकता है किसी लड़ाई मार काट, कोई रोता हुआ आदमी या दुखी आदमी बना हुआ हो। ऐसी चीज़ों को देखने पर से ही अजीब सी नेगेटिविटी आने लगती है। ऐसे में त्यौहार से पहले इस तरह के आर्ट पीस अपने घर से बाहर ज़रूर कर दें। पुराने जूतों और कपड़ों को कहे टाटा बाय बाय। अगर आपके घर में कपड़ों और जूतों का ढेर लगा हुआ है तो आप कितनी भी साफ सफाई कर ले, यूज़ बिगड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप फालतू के कपड़ों और जूतों को अलविदा कहें और बाकी बचे सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखें। इससे घर ना सिर्फ दिखने में सुंदर लगेगा बल्कि वास्तु के अनुसार भी ये शुभ है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।